हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू द टेक्निकल सोल। मैं राहुल शर्मा टेक्निकल सोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं, वो है ऑल न्यू क्रेटा 2020। गाड़ी आपके सामने खड़ी है, गाड़ी दिखने में भी बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। अगर गाड़ी के हम फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको जो है गाड़ी के डीआईएल्स मिलते हैं, ये यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं। और अगर इधर फ्रंट व्हील की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम मिलता है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलता है। हालांकि यहाँ पे आपको जो है प्लास्टिक में सिंगल कलर है, बट इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक डीसीटी 1400 सीसी एंड 1500 सीसी पेट्रोल और डीजल में। उसमें आपको यहाँ पे टॉप मॉडल में डुअल कलर मिलते हैं, यहाँ पे आपकी हुंडई की बैजिंग मिलती है। और यहाँ पे आपको जो बम्पर है डुअल टोन बम्पर मिलता है, ये आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे रही है, दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। वहीं अब गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं कि यहाँ पे आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग मिलती है, यहाँ पे आपको डीसीटी की बैजिंग मिलती है गाड़ी में लिखी हुई, जो क्योंकि ये डीसीटी 1400 सीसी है। और अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ORBM बॉडी कलर मिलते हैं, यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर्स मिलते हैं, इसके साथ आपको यहाँ पे जो है बॉडी कलर हैंडल्स मिलते हैं। अगर वहीं हम अगर हम गाड़ी के 1500 सीसी वाले वर्जन में जाते हैं जो कि पेट्रोल डीजल में, तो आपको यहाँ पे क्रोम हैंडल्स मिलेंगे। इसके साथ जो है यहाँ पे आपको ब्लैक क्लैडिंग मिलेगी ऑफकोर्स। एंड अगर हम गाड़ी की जो है ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है देखिए आपको देखिए काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, अप्रॉक्स 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ये इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रोफाइल की बात करते हैं कि गाड़ी दिखने में कैसी है पीछे से, और गाड़ी की बूट स्पेस कितनी है, कितना क्या क्या पीछे हमें चीज़ें इस गाड़ी में मिली है। तो अगर हम पीछे की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे जो है पीछे की बैक लाइट्स मिलती हैं, यहाँ पे हमें वाइपर मिलता है, और इसके साथ हमें यहाँ पे हुंडई की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे हमें स्टॉप लाइट भी मिलती है, और बम्पर्स भी आप देख सकते हैं डुअल कलर बम्पर्स हैं, यहाँ पे आपको बैक लाइट मिलती है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, और ये यहाँ पे टर्बो की बैजिंग मिलेगी आपको। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्रेटा की बैजिंग भी मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे डिफॉगर मिलता है इस गाड़ी में, शार्क के एंटीना मिलता है। वहीं अगर गाड़ी के बूट की बात करते हैं तो आइए बूट देखते हैं, आप खुद देख सकते हैं गाड़ी का बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बूट स्पेस है। और अगर हम बूट में बात करते हैं, हमें यहाँ पे जो है इसके बेसिक किट मिलता है, इसके साथ यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा स्टेपनी मिलता है, स्टेपनी जो है आपको अलॉय व्हील्स में नहीं मिलेगा, इसके साथ आपको यहाँ पे जैक वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेंगी, एंड दिस इज़ ऑल्सो फर्स्ट एड किट। तो एक स्मॉल फैमिली के हिसाब से बूट्स का बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड आई पर्सनली लाइक इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम गाड़ी में देखें तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको 60-40 का रेशियो मिलता है। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप इस गाड़ी को जो है यहाँ से सीट को नीचे कर सकते हैं, और अपना लगेज जो है आप मैनेज कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस गाड़ी में। और दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ क्रेटा 2020, एंड लेट्स कम टू द इनसाइड एंड लेट्स सी कि हमें गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, लेट्स गो। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हम फ्रंट डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पावर विंडोज मिलती हैं, यहाँ पे हमें ORBM एडजस्टर मिलता है, यहाँ पे हमें फ्रंट फिनिश में डोर हैंडल्स मिलते हैं, यहाँ पे हमें एक बोतल होल्डर मिलता है, मैप होल्डर मिलते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको लेदर फिनिश दिया गया है, प्लास्टिक क्वालिटी इज रियली गुड। और अगर इस तरफ की बात करते हैं तो आप ये देखिए हमें यहाँ पे पावर स्टीयरिंग मिलता है, इसके साथ जो है हमें 10.5 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, और इसके साथ जो है आप ये देखिए हमें MID स्क्रीन मिलती है, यहाँ पे AC वेंट्स हैं, डुअल कलर AC वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे हमें हेडलाइट एडजस्टर मिलता है, यहाँ पे हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। एंड इसके साथ अगर हम MID स्क्रीन की बात करते हैं तो मिलती है MID स्क्रीन में हमें यहाँ पे फ्यूल मीटर मिलता है, टेम्परेचर मीटर मिलता है, यहाँ पे हमें RPM मीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है। इसके साथ जो है आप ये यहाँ से आप अपने टायर प्रेशर और काफ़ी सारी सेटिंग्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं इन बटन्स के थ्रू। यहाँ पे आपको जो है कॉल पिकअप कॉल ड्रॉप का बटन मिलता है, वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स मिलते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ से आप अपनी हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने वाइपर को एडजस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड यहाँ पे आपको जो है मैनुअल गियरिंग के लिए, एंड अगर हम और इस तरफ आते हैं तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको देखिए
बहुत प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता है यहाँ पे आपको, एयर वेंट्स में रेड कलर की पाइपिंग ये दी जाती है, डिटेलिंग दी जाती है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की प्लास्टिक मिलती है, 10.5 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपको एप्पल का प्ले, ब्लू लिंक, यूएसबी मैप, नेविगेशन, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, इवन आपको यहाँ पे ऑटो हेल्दी एयर भी मिलता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक एसी मिलता है, और जिसके इसको आप जो है इसकी फैन स्पीड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, हैजार्ड लाइट का ऑप्शन यहाँ मिलता है आपको, एंड इसके साथ आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिलती है, यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटपुट भी मिलता है, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग दी जाती है। ये इसकी स्मार्ट की है, एंड यहाँ से आप इस की को निकाल भी सकते हैं। स्मार्ट की में आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, लॉक, अनलॉक, बूट ऑप्शन और ऑन का। एंड अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। ये गाड़ी है 1400 सीसी टर्बो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिलता है, पार्किंग बटन मिलता है, यहाँ पे आप ड्राइव ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ पे MID स्क्रीन में देखेंगे, अगर मैं यहाँ से कोई भी चेंज करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पोर्ट, इको, कंफर्ट, ये सारे चेंजेस आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे चेंजेस आप जो है यहाँ के जो आप यहाँ पे ड्राइव सेक्शन है वहां से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है गियर मिलता है जिसके थ्रू आप रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स में आप देखिए आपको जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो है पूरा एक गाड़ी का ओवरव्यू मिल रहा है सेंसर्स के साथ। यहाँ पे अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको जो है कप होल्डर्स मिलते हैं। इसके साथ जो है मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है वो सीट्स में वेंट्स के लिए ये ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से चाहें तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी कम ज्यादा जो है आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज इसको यहाँ से इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है, स्पेस काफी सही है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस गाड़ी में आपको बॉस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसका साउंड और वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर, और ये गाड़ी का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं सनरूफ। इस गाड़ी का जो सनरूफ है वो आप देखिए पूरा एंड तक ओपन होता है, ये गाड़ी का सनरूफ है, और अगर आप इसको एक और बार प्रेस करेंगे तो ये भी यहाँ से ओपन हो जाएगा। एंड ये गाड़ी का सबसे ज्यादा मेन अट्रैक्शन पॉइंट है जो कि गाड़ी को बहुत ज्यादा लग्जरी और प्रीमियम फील देता है। और वहीं इसको क्लोज करने के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना है, और यहाँ से आप इस गाड़ी की सनरूफ को क्लोज कर सकते हैं। आप देखिए कितना बड़ा सनरूफ है इस गाड़ी का। वन मोर थिंग, ये इस गाड़ी में आपको जो है 6-way एडजस्टेबल सीट मिलती है, आप यहाँ से जो है गाड़ी को आगे एडजस्ट कर सकते हैं, आपको देख रहे होंगे, और यहाँ से आप गाड़ी की सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी मच कम्फर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर। सो अब ये गाड़ी की जो सीट है वो मेरे हिसाब से आगे एडजस्ट है, एंड इसके हिसाब से अब पीछे चलते हैं और देखते हैं पीछे का लेगरूम कैसा है। लेट्स कम टू द बैक साइड। अगर हम गाड़ी के रियर डोर की बात करते हैं, क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, पावर विंडो मिलता है, यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिलती है। इसके साथ आपको जो है यहाँ पे सनशील्ड मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम चीज़ है गाड़ी में, एंड इसके साथ आपको यहाँ पे बोस के स्पीकर्स मिलते हैं डेफिनेटली। और अगर हम लेग रूम की बात करते हैं तो गाड़ी की फ्रंट सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, एंड नाउ सी द लेग रूम, आप बहुत इजीली कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेग रूम बहुत अच्छा है गाड़ी का। और अगर हम हेड रूम की बात करते हैं तो अभी देखिए हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है, मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ, एंड हेड रूम इज़ रियली रियली गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा हेड रूम है। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें जो एसी वेंट्स मिलते हैं जिसमें आपको जो है वही रेड कलर की पाइपिंग मिलती है, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है, एक स्टोरेज मिलती है अपने फ़ोन को रखने के लिए। उसके बाद ये ओवरऑल इंटीरियर है गाड़ी का, एंड लेट्स कम टू द ड्राइव सेक्शन ऑफ दिस कार, आइए चलते हैं। ओके, सो अब गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करते हैं, देखते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, ब्रेकिंग पावर कैसी है, इस गाड़ी का पिकअप कैसा है, ओवरऑल इस गाड़ी का कंफर्ट कैसा है, गाड़ी चलाने में कितनी अच्छी है, कितनी अच्छे से गाड़ी ये पिकअप लेती है, कितनी अच्छे से चलती है, तो ये सारी चीज़ें अभी टेस्ट करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अब हम गाड़ी के पिकअप की बात करते हैं तो गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है, और वहीं अगर हम गाड़ी की ब्रेकिंग की बात करते हैं तो आप अगर सामने देखेंगे तो आप खुद देखिए कि अगर मैं गाड़ी को भी इसकी स्पीड पे चला रहा हूँ, अगर मैं गाड़ी को अगर रोकने की बात कर रहा हूँ तो ये देखिए गाड़ी की ब्रेकिंग उतनी ही अच्छी है,
और इवन गाड़ी का पिकअप भी बहुत अच्छा है, और ये गाड़ी जो है सीट बेल्ट इज मस्ट, आई एम सॉरी। सो ये गाड़ी जो है डीसीटी मॉडल है 1400 सीसी पेट्रोल में। इस 1400 सीसी में आपके जितने वेरिएंट्स हैं सारे ऑटोमेटिक पेट्रोल में आते हैं। इसके साथ एक वेरिएंट और आता है 1500 सीसी जो कि पेट्रोल और डीजल दोनों में आता है। वहीं गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, गाड़ी की स्टेबिलिटी अच्छी है। अगर हम सिटिंग की बात करते हैं तो कुशनिंग भी सिटिंग की बहुत अच्छी है, कंफर्ट है। लॉन्ग ड्राइव पे आप बहुत इजीली कंफर्टेबली राइड का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वहीं अगर हम स्टीयरिंग की बात करते हैं, स्टीयरिंग बहुत लाइट है, पावर स्टीयरिंग है। और अगर वहीं हम अगर टर्निंग रेडियस की बात करते हैं, मैं आपको टर्निंग रेडियस दिखाता हूँ। आप ये देखिए, मैं गाड़ी यहाँ से टर्न ले रहा हूँ और गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो आप देखिए, मिनिमम टर्निंग रेडियस में पूरी गाड़ी टर्न हो चुकी है। तो ये जो इसका टर्निंग रेडियस है ये सबसे अच्छी चीज है इस गाड़ी की। और अगर हम गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, मैं गाड़ी को रिवर्स कर रहा हूँ और ये देखिए बहुत इजीली आप गाड़ी को यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। एंड ओवरऑल आई पर्सनली लाइक दिस कार और आई स्पेशली थैंक्स टू अरोरा ह्यूंडई, उनकी उन्होंने ड्राइविंग सेक्शन के लिए, रिव्यू के लिए और टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल कराया। आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू अरोरा ह्यूंडई। एंड आई रिकमेंड यू ऑल, अगर आपको ह्यूंडई की गाड़ी खरीदनी है एंड यू आर फ्रॉम जयपुर, सो प्लीज गो टू अरोरा ह्यूंडई। आपको स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आप टेक्निकल सोल या राहुल शर्मा के नाम से जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट एडिशनल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड आई पर्सनली इंजॉयड वाइल ड्राइविंग दिस कार, गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है ड्राइविंग में, गाड़ी के फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको एक लग्जरी फील होगी इस गाड़ी के अंदर। एंड टिल देन कीप लाइकिंग टू द टेक्निकल सोल। थैंक यू सो मच।